ये क्या लेकर आ गए हैं आप? छोटे से घर में आइए। ये देखिए हमारे छोटे से घर में ब्लॉग मत बना हमारे को। तो ये देखिए क्या लेकर आए, पोता पोती। छाता तो लेकर आए हैं, क्या बात है। हमें ये हमसे पूछ रही थी कहाँ पे है, कहाँ पे है, तो हम कह रहे हैं कि अगर ये आएंगे कभी। बैठो बैठो बैठो, सराची दरा दे, तुम बताना चाहिए था ना कि आ रहे हैं। तो मम्मी आई है तुम्हारी, क्या बन रहा है? रही हूँ, रोटी बना रहे हैं। और क्या बनाएंगे हमको, गोली गोली रोटी बना दी आज तो मम्मी ने खुशी में। वो जिद कर रही है तो मैं बना दूं, मैं सबसे खड़ी खड़ी होकर थक जा रही हूँ। मैं बोली नहीं आप मत बनाओ, कोई आएगा तो हम रोटी बनवाएंगे। देखो कैसे देख रही है पीछे से। आज यहाँ खड़े होके आदेश दे रही है ऐसे रोटी बनाओ। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हम बना दे रहे हैं, मान ही नहीं रही। तो आप रोटी बनाएंगे, ये भी तो हमारा ही घर है। नहीं हाँ है, तो आप फर्स्ट टाइम आई है ना, और बनाएंगे। अगली बार आना बना के खिला देना, ठीक है? नहीं तब पर भी नहीं बनवाएंगे। अच्छी बनाती थी। मैं भी बना के दिखा दूं क्या रोटी? नहीं मैं भी बहुत गोली गोली बनाता हूं। नहीं, इसकी रोटी देखो, एक एक रोटी फूल रही है। हाँ मेरी रोटी फूलती है, हमें भी नहीं आती। मुझे रोटी बहुत मस्त, हमें नहीं आती, हमारी तो रोटी गोल बनती नहीं है। मेरे दोस्त ने मुझे सिखाई थी। अरे हमारे ये जो कहते हैं पता नहीं कौन सा नक्शा बना देती है रोटी का। वो जो कोमल भाभी वो बहुत अच्छा रोटी पतली पतली बनाती, एकदम गोला गोला। उनसे तो हम सीखे हैं कि एकदम रोटी बनाओ, उनका जब से देखे तब से हम ये बनाते हैं। बहुत सारे लोग रोटी एकदम पापड़ की तरह बनाते हैं। हमारा रोटी ऐसे ही रहता है कोमल जी का, एकदम पापड़ की तरह। पतली रोटी गरम गरम ही अच्छी लगती है, ठंडा होने पे नहीं अच्छा लगता है। नहीं हमारी तो रोटी गोल बनती नहीं है, हमें तो 12 साल हो गए रोटी बनाते बनाते। क्यों नहीं बनती आपकी गोली? मैं भी गोली बना दूंगी एकदम परफेक्ट। हाँ चलो एक रोटी बनवाओ, रोटी बना लेते हैं। लो पकड़ो एक एक बेल के दिखाता हूँ। आज ये भी हो जाए मम्मी जी के सामने, अमित ने बनाया रोटी, पति देव ने बनाया रोटी। मम्मी जी शूट कर रही हूँ, आप खड़ी रुके, थोड़ा सा हैंड धो लो। हाँ हैंड धो लो। मम्मी जी ने मुझे चैलेंज किया है कि अमित रोटी नहीं बना सकता। अरे उसको उसको पलट दो। अरे अच्छा पहले ये तो हटाई दी होती अपना। अरे अब ये भी सेको ना। अरे किट्टो की तारीफ क्या हो गई, किट्टो की तारीफ क्या हो गई, किट्टो ने वाली ये वाली रोटी वो कर दी। मैं बोली कि आप ये भी बनाओ ना। वाली फूलेगी नहीं? फूलेगी 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 जी। इधर चिकन बन रहा है, चिकन मैं तो खाती नहीं, मैं पनीर की सब भुजिया बनाऊंगी। देखो सासू माँ घर पे आ गई, बिटिया को फ्री करा दिया और दामाद को लगा दिया काम पे। तो क्या हो गया, कभी कभी तो दामाद को भी बनानी चाहिए रोटी। गाइस ऐसी ब्लॉगिंग आप लोगों ने देखी होगी कि मतलब कि इसका अपना अलग मजा है। मेरे फर्स्ट टाइम घर पे, मेरा फर्स्ट टाइम मिले तुमसे बहुत बार है, लेकिन फर्स्ट टाइम हमारे घर पे आई है। मतलब ऐसा नहीं लगा से आई, पता भी नहीं चला, ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी और के घर में आई हूं। ऐसा क्यों लगेगा आपको? क्यों लगा, मां को कभी बेटी घर पे आके लगता है कि हम किसी और के घर आए हैं? आपने हमें इतना प्यार दिया है, हमेशा सुख दुख में आपने दुख में पूछा है, और जो कोरोना के टाइम में पूछ लिया ना, समझ लो कि उससे बड़ा कोई नहीं है। जब तक हम हैं तब तक किट्टो हमारी बेटी है। किट्टो दिखा नहीं रोटी मेरा बेलना, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है लेकिन अब टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अरे बहुत दिन बाद बेल रहा हूँ, वो तो देखो उस हिसाब से तो सही है, चिपक रहा है थोड़ा सा, पतला कर दिया। दर्द हो रहा है कहाँ पे? दादी क्यों दर्द हो रहा है यहाँ पे? गैस बन गया होगा। किस किस लिए गैस बनेगा? जो पास्ता खाई हो। सही है, मत ज्यादा बड़ा मत करो। ज्यादा बड़ा नहीं करे लेकिन थोड़ा सा हमारा टेढ़ा हो गया है। अब दिखाया जाएगा, अब दिखाया जाएगा किसकी रोटी टेढ़ी है। नहीं हाँ बना लेते हैं, क्योंकि हॉस्टल वगैरह में रहे हुए तो बना लेंगे। क्योंकि मैं अगर मैं उस हिसाब से बहुत टाइम के बाद बना रहा तो मेरी रोटी लगभग ठीक ही है। देखिए मेरी मम्मी का फोन आ रहा है, बेल तो लिया हूँ ना। मेरी मम्मी का फोन आता है जब तुम ब्लॉग बनाती हो। हाँ फट गया फेल हो गया। लेकिन दोस्तों बहुत टाइम के बाद रोटी में बनाया हूँ, उसी तो मैं ठीक ही बनाया हूँ। अब तुम देखो तुम्हारी रोटी फट गई। फट गई सही बोल रही है, गैस तेज करो। चलो फट गई, मैं जा रही हूँ। नहीं रुको थोड़ा, एक सेकने तो दो, सेकने का ले लो कम से कम, तुम्हारे ब्लॉग में दिखूंगी तो मैं रोटी से स्क्रीन शॉट ले लो थंबनेल के लिए। अच्छा जी, फिर बाद में बोलोगी मैं खा नहीं। चलो देखिए मम्मी जी स्टाइल के पैसे हैं उसके।
स्टाइल ये देखो मैंने लेट में इनका स्टाइल। पहले क्या बोलते हैं दोस्तों जब मैं रहता था ना, अरे रोटी भी नहीं फूली बताओ। अरे तो हो गया फ्लॉप हो गया चैलेंज, लेकिन कोई बात नहीं, चैलेंज खत्म हो गया, अब एक रोटी रह गई बनाई। लेकिन मैंने गोली बना दी थी ना, गोली तो बना दी थी मैंने, किचन में खड़का किए का जगह नहीं है। तो हमारे किचन में देखिए मम्मी जी फील कर रही हैं आ करके कि किट्टू कितनी गर्मियों का सामना करती है इस। अब तो हमारी बेटी से बहुत काम कराते हो। हाँ, और रोटी भी नहीं बनाएगी अब आपकी बेटी। अब शादी हो गई तो इतना तो करना पड़ता है। जिद कर रही थी रोटी बनाने के लिए। देखो किट्टू की रोटी कितनी सही बनी है, अब कंपैरिजन कर लो तुम। तो इनका प्रैक्टिस चल रहा है, हम सदियां सदियां हो गए इनको छोड़े हुए। अभी उसकी शादी को 2 साल नहीं हुए हैं। 2 साल बहुत होता है। ये ब्लॉग मेरा कल आएगा तो कल के दिन आएगा तो कल वंदना दी का क्या बोलते हैं बर्थडे भी है और उनका 50,000 भी है, तो उनको किट्टू का भी 50,000 कर दो भैया सब लोग जल्दी जल्दी। नहीं मैं चाह रही हूँ कि मेरा 50,000 मेरा गाँव में हो। नहीं यहीं पे हो जाए। और ये एडवांस ने पहले से ला करके दे दी है हमको, कोई बात नहीं, 50,000 नहीं हुआ है तब पर भी हो जाएगा, हो जाएगा 49 तो होने वाला है। गैस बंद करके रखे हैं हम, तब हम कहां गैस बंद कर रखे, ये गैस लग रही है खत्म हो गई है। नहीं खत्म गैस है, यहां खराब भी हुआ है, हमारा गैस हमेशा फुल रहता है एडवांस में, जब पिन हो रहा है पेट में से सिलेंडर भर लो ना, गलती कर रहे हो, पिन हो रहा है ज्यादा क्या, नहीं यहाँ और यहाँ दर्द हो रहा है पता नहीं क्यों, गैस बन रही है, एसिडिटी रुकती है ना जब तक होता है पता नहीं, ये सही है तुम्हारे यहाँ से खुली हवा आती है, लेकिन जब गर्मी होती है तो गर्मी होती है। मैं अभी पनीर की भुजिया बनाऊंगी, तुमने खाते मुझे, मैंने भी जब खाना छोड़ रखा था मेरे साथ सब कुछ, मन नहीं कर रहा है जाने देना, खाया अच्छा पागलों क्या एक रोटी खाना कम से कम, अरे मेरा एकदम मन नहीं कर रहा है। इधर देखो ऋषभ और सोनाक्षी एंजॉय कर रहे हैं, उतरो उतरो इधर चढ़ते हैं उसके साथ, देखो नक्श को देखो, नक्श इतनी बड़ी साइकिल चला रहे हो तुम, ऋषभ की मम्मी बोली चाहते हैं ना आराम बैठ जाते हैं, हम चलाते हैं, हटो 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 साफ हटो साफ धार, पीएम की गाड़ी आ गई है, हम लोग खेल रहे हैं, ऋषभ कैसे मार रहा है नक्शे, जल्दी से सामान ले लेके आ गए लो सामान, थैंक यू, जल्दी बैठो बेटे स्कूल जाना है, इसको बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, बच्चे हैं हम तुमको बोल रहे थे तुम बना लो कुछ, अब तुम इतना लेट बना रही हो, क्या बना रही हो अपने लिए, हाँ चिट्टो नेक्स्ट मॉर्निंग। देखिए गाइस हमारी बेटी हमारे लिए चाय और नाश्ता लेके आई है, ये कोई नाश्ता नहीं हुआ, नाश्ता नहीं मैं बना रही थी, लेकिन बोली नहीं मत बनाओ मैं नहीं खाती मैं नहीं खाती, तो हम कहे चलिए ठीक है चाय नमकीन और रस खा लीजिए, तो पानी भी नहीं पी रही थी, बोल रही कि हम पानी नहीं पीते, नहीं जबरदस्ती खिलाई पड़ी है सुबह हुई नहीं, खा लो बस। और ये देखिए हमारे दामाद जी पूजा कर रहे हैं, और ये दामाद से जो है चलिए आप पहले चाय पी लीजिए, नीचे रखें, नहीं नहीं यही कहिए ना, ना नीचे रख के खाएंगे, टेबल लगा दो यार तुम, अरे भैया नीचे बैठ के खाएंगे, इनको नीचे बैठने देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और तो सबको बताएंगे ये हम लोग बोले थे इस पे सो जाइए इस पे, लेकिन ये इस पे नहीं सोए, बोले नहीं हम जमीन पे सोएंगे। तो ये देखिए आज मंगलवार है, तुम्हारे पति हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मेरी शादी नहीं हुई थी तब पर भी हम मंगलवार को शनिवार को हनुमान चालीसा जरूर पढ़ते थे, लेकिन शादी के बाद हम नहीं पढ़ते हैं भूल, और ये पढ़ते थे तो फिर हम क्या चलो जाने दो हम नहीं पढ़ेंगे, आओ तुम भी लो, अभी हम ब्रश वगैरह नहीं नहा लेंगे पूजा कर लेंगे तब, उनको दे दीजिए क्या गए, देखिए ये भी पति देव भी बैठ गए हैं इनके साथ बैठ के, जमीन पलती पलती मार के, और इनका हमारा दिल कैसे मिला, आप लोगों ने हमारे ब्लॉग में देखा कि ये सोशल मीडिया के थ्रू हमारी मम्मी बनी है, और ऐसे ही हम किसी से रिलेशन उतना नहीं करते हैं, क्या ये लो क्या लो शूट करो ना अपने में, कुछ नहीं तो अपलोड हो रहा है,
जैसे होता है ना जब आदमी के विचार मिल जाते हैं ना, जब आपको लगता है नहीं सामने वाला बिल्कुल हमारी तरह सोचता है, हमारी तरह वो है, तो तब दिल पे दिल मिल जाता है। फिर तो पूछिए मत, फिर तो ये सिलसिला हो जाता है। देखिए आज आने से पीने से कुछ नहीं होता। जब हमसे पहली बार मिली थी इतनी सरप्राइज थी कि हमें विश्वास नहीं हो रहा कि हम तुमसे मिल रहे हैं। हाँ, हाँ। नक्शनी कह रहा था कल रात को मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैं आपके घर पे बैठा हूँ। हाँ नक्श। तो ऐसे ऐसे ही आप में से कोई और निकल सकता है जो हमारा पापा बन सकता है, हमारा भाई बन सकता है, हमारी बहन बन सकती है, हमारी भाभी बन सकती है। लेकिन क्या होता है ना, निस्वार्थ भाव से, स्वार्थ ना हो, जहाँ लगता है कि नहीं स्वार्थ है ना, तब आदमी का मन खटक जाता है। बहुत सारे लोग हमको सोशल मीडिया में मिले, ऐसा नहीं यही मिली है, हमको बहुत सारे लोग मिले, लेकिन हमको कहीं ना कहीं किसी न किसी का एक होता ना, आदमी के अंदर एक दूरदर्शिता होती। तो मेरे अंदर पता नहीं भगवान ने एक ऐसा, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगता है भगवान ने मुझे ऐसा सुपर पावर दिया है कि मैं ना एक बार किसी से मिलता हूँ ना, बिल्कुल एकदम समझ जाता हूँ कि वो किस नेचर का है। और जब तो फिर मैं डिस्टेंस बनाने लगता हूँ, लेकिन इनसे जब मिला ना फिर लगा कि नहीं यार, नहीं हम भी जब तक जिंदा है तब तक तो रिश्ता निभाएंगे। आप लोगों को बोला है इन्होंने, मतलब कि होता है ना जो एक ससुराल से, जैसे मेरे ससुराल से जो फर्ज बनता है ना, सारा कुछ ये करती हैं, भेजती हैं कि आज किट्टो का बर्थडे तो ये मैं भेजूंगी, आज खिचड़ी है खिचड़ी पे खिचड़ी भेजेंगी, होली पे गुजिया भेजेंगी, ये सब पूरा फर्ज निभाती है उसका। हाँ, तो आप लोग इनको देख लीजिए। और ये चीज़ हमने सोशल मीडिया से कमाया, तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि हमने लोगों का प्यार कमाया है। और हमारे किट्टो को बहुत सारा प्यार दो भैया, सब लोग बहुत ज्यादा। अरे देंगे, थोड़ा लेट देंगे, देंगे बहुत सारे। आप लोग के भी बहुत सारे लोग होंगे जो सोशल मीडिया पे होंगे, उनको बहुत सारे लोग मिलते होंगे, लेकिन कुछ ही लोग होंगे जो आपके दिल को छुपाते होंगे। हाँ, जैसे सोशल मीडिया के थ्रू उनको सचिन भाई मिले। हाँ, सचिन भाई से ऐसा रिश्ता बन गया, ऐसा नाता बन गया कि जैसे मतलब लगता है एक ही माँ के बच्चे हैं हम दोनों। वो बंदा ऐसा है कि बच्चे भी ऐसे ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अगर खून से बढ़कर हो जाते हैं। सचिन भाई मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, सचिन भाई मतलब कि वो ऐसा इंसान है ना, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता मुझे फोन न करता हूँ, मतलब भले एक मिनट के लिए मुझसे बात करेगा मुझे फोन जरूर करेगा वो बंदा, तो ये बड़ी बात होती है। खून से रिश्ते अपने बढ़कर परायों के हो जाते हैं, अपने रिश्ते फिर भी कड़वाहट दिखा जाते हैं, पराये नहीं दिखाते। तो बहुत अच्छा लगा मुनका जी हमारे घर पे आई। और सबसे बड़ी बात क्या, इन्होंने अपना समय दिया, पहले आती थी भाग जाती थी, लेकिन आज समय दिया इन्होंने और बहुत अच्छा लगा हमको। हमको भी अच्छा लगा। चलिए ऐसे अच्छा लगना चाहिए। आप लोग चाय पी लीजिए आराम से, बातें तो होती रहेगी। सराक्षी कौन आया? मामा आ गए। ये मुझे बस पता था, और मैंने आज के ब्लॉग में बोला मेरे ब्लॉग में आएंगे। ये देखिए शूट कर रही इधर और मैं इधर शूट कर रही हूँ, ये आ गए। और बस मुझे बताए थे कि हम आने वाले हैं, जो कल हम किचन में बात कर रहे थे ना जो धीरे धीरे, तो ये बोले कि लेकिन हमको पता था जब तुम स्टेशन पे थे तभी। ठीक है, बैठ के ब्लॉग और क्या, ट्रेन में थे स्टेशन पे थे तो ज्यादा हमको मालूम था, लेकिन हम वो चीज बर्थडे मनाने वाले। गिर गया ऐसे बोले आराम से, तो गिर गया तो हंस रही हो। ये देखो आ गए, और ये जब हमको कल कॉल किए ना, कल हम खाना बना रहे थे तो हमसे बोले बताना मत किसी को घर में, मैंने अपने ब्लॉग में बोल दिया था जो आज ब्लॉग आएगा। और क्या, बस इतना बड़ा सरप्राइज। सोनाक्षी गई इधर खड़े रहे, फोन ले लेके बैठे रहते तो हमेशा फोन लेकर बैठे थे। देखो झोला जकड़ लेकर आए हैं इस बैग के अंदर कपड़े। चलिए बैठिए, जाइए नहाइए धोइए, तब से बात करते हैं। तो दोस्तों हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और दीपक भैया आ गए हैं इधर, ये हमारी मम्मी जी बैठी हुई हैं आप देख रहे हैं, और खाना खाने का टाइम हो गया है, तो सब लोग ये तो खाना खा लिए, इनको बहुत ही भूख लगा था तो ये खाना खा लिए हैं, और बाकी सारे लोग नहीं खाए हैं। तो सबसे हाथ जोड़ के विनती है, आज रात तक अगर किट्टो के 50,000 नहीं किए ये आपके घर आ जाएंगी, हो जाएगा धीरे तो धीरे प्यार। 50,000 कर दीजिए, बंदा जी का बर्थडे भी है। और क्या, देखो भाई भी आया है, हम भी आए हैं, सब केक में काट के जाएंगे सब लोग। प्लीज आप 50,000 किट्टू का कर दीजिए, बाकी किट्टू अपना। हाँ तो दोस्तों इनका चैनल है दीपक ब्लॉग, और ये हम बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि किट्टो दी दीपक भैया आपके सगे भाई हैं। हाँ भैया हमारे मम्मी के लड़के हैं जिस तो ये भी हमारे भाई हैं, मतलब ये दूसरे मेरे तीन भाई हैं, दीपक, अरे पंकज भैया, दीपक भैया, और ये हैं
सबसे छोटा विनय जिसकी शादी हो गई है, और बहुत सारे वो लोग बोल रहे हैं कि दीपक भैया क्यों कोमल को कोमल बुलाते हैं, अरे ये बड़े हैं तो शोभा देगा क्या कि उनको भाभी बोलेंगे, अच्छा लगेगा, तो ये उनको कोमल ही बुलाएंगे। तो इनके इनको खूब ढेर सारा प्यार दीजिए, इनका 25,000 कीजिए, ये भी खूब आप तरक्की करें, हमारे परिवार को आगे लेकर चलें, हमारे परिवार का नाम रोशन करें। तो दोस्तों हम अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोगों को लगेगा कि हाँ मेरा 50,000 करना है तो करिएगा, नहीं लगेगा तो मत करिएगा, कोई बात नहीं, लेट में करेंगे, लेट में करेंगे वो ज़्यादा खुश रहेगा। आज करना है, आज किसी भी हालत में आना चाहिए। हाँ क्या हम यहीं पे रुके रहेंगे? नहीं नहीं, हाँ तो क्या हुआ, नहीं हमको केक काट के जाना है भैया। अच्छा केक काट के जाना है इनको, तो दोस्तों चलिए बातें साधे तो होती रहती है, हम अपना वीडियो पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा, लव यू।